दोस्तों मेरे पास यहाँ पर दो मोबाइल फोन है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन के अंदर रैम को कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यदि आपके मोबाइल फोन के अंदर कम जीबी रैम है और आप दोस्तों अपनी रैम को बढ़ाना चाहते हैं, दोस्तों आपके मोबाइल फोन के अंदर एक ऐसा फीचर्स है, आप उस फीचर्स की मदद से दोस्तों 1 GB रैम से 8 GB रैम तक दोस्तों बढ़ा सकते हैं बिना एप्लीकेशन को डाउनलोड किए। दोस्तों यदि आप भी अपने मोबाइल फोन के अंदर कोई गेम खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं और दोस्तों वो गेम खेलते टाइम लैग करता है, हैंग करता है, दोस्तों यदि आप भी अपने मोबाइल फोन के अंदर रैम को बढ़ा लेंगे तो आपका मोबाइल फोन दोस्तों जिंदगी में हैंग नहीं करेगा, लैग नहीं करेगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है तो ध्यान से देखना, ठीक है। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना है, ठीक है। दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन की सेटिंग में आना है सबसे पहले, तो ठीक है। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर की साइड एक ऑप्शन देखने को मिलेगा माई फोन का, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रैम का, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, 8+3 GB रैम, ठीक है। अब आप दोस्तों यदि आप अपने मोबाइल फोन के अंदर रैम को बढ़ाना चाहते हैं ना, तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेट वर्चुअल रैम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप यहाँ से अपने मोबाइल फोन के अंदर 3 से 8 GB रैम तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यदि आपके मोबाइल फोन के अंदर दोस्तों 3 GB रैम है, 4 GB रैम है, तो दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर आना है अपने मोबाइल फोन की सेटिंग के अंदर, ठीक है। तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, यदि आप दोस्तों अपने मोबाइल फोन के अंदर 3 से 5 GB तक रैम बढ़ाना चाहते हैं तो आपको दोस्तों इस पर 5 GB और कर देना है। यदि आप दोस्तों करना चाहते हैं इसको 8+8, ठीक है, तो आपको दोस्तों कर देना है इसको इस तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों क्या होगा, आपके यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, मॉडिफाई एंड रिस्टार्ट। अब यदि दोस्तों आप इसको यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे तो जो आपका मोबाइल फोन है ना दोस्तों ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा और दोस्तों फिर आपका दोस्तों आपके मोबाइल फोन के अंदर जो रैम है ना वो बढ़ जाएगी। आपको दोस्तों इस पर इस तरीके से क्लिक कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों जो आपका मोबाइल फोन है ना वो दोस्तों स्विच ऑफ हो जाएगा और दोस्तों थोड़ी देर बाद वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उस मोबाइल फोन के अंदर जो रैम है ना वो दोस्तों बढ़ जाएगी। अब दोस्तों अब इस मोबाइल फोन के अंदर आप कोई भी गेम खेलेंगे, ठीक है, बड़ा सा बड़ा कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे वो दोस्तों हैंग नहीं करेगी, ठीक है। दोस्तों इस ट्रिक के लिए लाइक जरूर कर देना। अब दोस्तों ये सेकंड नंबर का फोन, अब इसका नाम है पोको M6 5G। अब इसके अंदर भी दोस्तों एक ऐसा फीचर्स है, इस फीचर्स की मदद से आप ना दोस्तों अपने मोबाइल फोन के अंदर रैम को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये फीचर्स आपको अभी तक पता ही नहीं होगा, ठीक है, तो ध्यान से देखना। आपको दोस्तों अपने मोबाइल फोन की सेटिंग में आना है, ठीक है। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों अब आपको यहां पर नीचे आना है, दोस्तों यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग्स का, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपके सामने यहां पर दोस्तों एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ध्यान से देखना, नीचे आना है यहां पर मेमोरी एक्सटेंशन का, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके मोबाइल फोन के अंदर 1 GB पर इस तरीके से सिलेक्ट होगा। अब यदि आप अपने मोबाइल फोन के अंदर रैम को बढ़ाना चाहते हैं, 2 GB रैम बढ़ाना चाहते हैं, 4 GB रैम बढ़ाना चाहते हैं ना, तो आपको दोस्तों इस पर इस तरीके से क्लिक कर देना है और यहाँ पर रिबूट कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका ये मोबाइल फोन भी दोस्तों इस तरीके से ही स्विच ऑफ हो जाएगा और ऑन हो जाएगा। दोस्तों यदि आप इन 3 टिप्स एंड ट्रिक्स को अपने मोबाइल फोन के अंदर दोस्तों अप्लाई करेंगे, दोस्तों आपके पास चाहे कोई सा भी फोन हो दोस्तों सभी मोबाइल फोन के अंदर ये फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको दोस्तों इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन के अंदर रैम को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है ना, दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना, ठीक है। दोस्तों चलिए आपका दिन शुभ हो।